Take the next left onto service road. मस्त पुल है ये चित्तौड़गढ़ से जयपुर की ओर का ये जो पुल है गाइस ये देखिए कितना मस्त है। ओए होए दिस इज ऑसम, इसको बोलते हैं वो अच्छा आर्किटेक्चर है, डिजाइन बहुत मस्त दिया है पुल का। सो यहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पे, बहुत अच्छा सा पेट्रोल पंप है। देखिए ये अपनी दोनों कार यहाँ पे खड़ी हुई है और अपन चलते हैं थोड़ा सा पैसा लेने के लिए। वॉशरूम किधर है देने? अच्छा ये पब्लिक वाफ हो गया है, कुछ अच्छा है ठीक ठाक है जाने लायक? दो उसमें से एक है लड़की का एक है लड़का का, किसी में भी चलेगा। कितना प्यारा हाईवे है, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था जयपुर हाईवे को, और जयपुर टू दिल्ली हाईवे कितना प्यारा है, कितनी प्यारी वादियाँ हैं, अब देखेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा आई एम श्योर। और एकदम बिंदास इसमें क्रूज कंट्रोल दे करके और अपन टनल में जाएंगे। वाओ ये अटल टनल नहीं है बट लाइट ऑन हुए है, वाह चलते रहिए। अरे भाई बड़ा पहाड़ है लग रहा है, काफ़ी बड़ा है, गुफा है पूरा, और 83 के स्पीड में गाड़ी जो है चल रही है, ब्रेक मारा, वाह वाह। टाइगर है? नहीं लायन। लायन है कहाँ? अच्छा ये देखिए खींच दिया लायन। अरे भाई ज़्यादा तेज मत चलाओ यार, टनल है, इसका रडार सेंटर सा जो है ना और वो बहुत स्मार्ट है। चलिए लेफ्ट लेके निकलिए, वापस आ गए जयपुर। यहाँ से दिखा रहा है हमें 209 किलोमीटर 209 टोंक 105। तो गाइस ये रोड जो है ये कनेक्ट होता है अलवर होते हुए दिल्ली को, दौसा में जाकर के रुकेंगे। ये हाईवे बहुत मस्त बनाया है और डिस्टेंस दिल्ली 278 किलोमीटर, आगरा 219, जयपुर 102, अलवर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से राजस्थान ख़त्म हो जाता है। स्पीड लिमिट 120 का दिख रहा है इसके ऊपर और ट्रक का 80 बस का 100, ओवरटेकिंग लेन एक राइट साइड में। दौसा से अलवर को कनेक्ट करके और ये दिल्ली को जो कनेक्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मैं जब बैक इन 2009 में पास आउट होकर इधर से गया था, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज इधर ही था, तो उस टाइम पे ये 2 लेन + 2 लेन का रोड था, बट अभी देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। मतलब रोड से ये एकदम से समृद्धि एक्सप्रेसवे जैसा लग रहा है, मतलब ये बिल्कुल नॉन स्टॉप है। गूगल जो लोकेशन बता रहा था वो तो स्लो बता रहा था बीच बीच में, इवन अभी भी देखेंगे तो येलो येलो बता रहा है, बट आपको येलो जैसा कुछ इसमें है नहीं। हाँ बिल्कुल बिंदास, इसके ऊपर स्पीड लिमिट है 120 का स्पीड लिमिट दिया हुआ था, तो मैं भी 120 पे क्रूज कंट्रोल को सेट कर देता हूँ, वो बेस्ट है, जितना है उतना तो कम से कम रहना ही चाहिए। और ये कितना कलरफुल रोड है, माय गुडनेस, ये रोड ये पूरा एकदम से समृद्धि एक्सप्रेसवे है। 120 पे हमने सेट कर दिया है और ओवर स्पीडिंग का अलर्ट भी आ रहा है। हम लोग जैसा आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे हैं, थोड़ा लेट हो गया है, मनाली के लिए निकलना था और अभी मैं हम लोग रुके हुए हैं दौसा में। ये देख सकते हैं मेन हाईवे है, कितना प्यारा हाईवे है और मौसम देखिए बिल्कुल बादल काले काले छाए हुए हैं। अभी यहाँ पे गाड़ी की हालत देखते हैं कि क्या स्थिति है, देन थोड़ा सा क्लीन करना जरूरी है, थोड़ा सा हॉट लग रहा है, देन उसके बाद। तो गाइस सुबह सुबह अभी गाड़ी पहुँचने के लिए बाहर निकले और
वहाँ ये देखिए क्लाउड, इतनी तेज हवा चल रही है ना कि अब मुझे लग रहा है धोने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद से ही साफ हो जाएगा। तो लेट से ही थोड़ी देर क्या स्थिति रहता है, ये होटल है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, होटल क्लासिक करके, होटल एस वी ला करके है, अच्छा अच्छा होटल। अभी अभी बोल रहे थे बारिश, ये देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, मस्त मस्त बारिश स्टार्ट हो गया है। ये जो सीन है ना, यू नो बसेस वगैरह सब जितना है मॉर्निंग में यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो भाई सोने की जगह ही नहीं है भाई, दिस इज वंडरफुल। सुबह में सब लोग निकलने की कोशिश करते हैं, अभी देखेंगे कि काफ़ी गाड़ियाँ हाई स्पीड में निकल रही है यहाँ से, बिकॉज यहाँ से जो मनाली है वो 750 किलोमीटर का है और जो ट्रेवल टाइम है वो 13 घंटे का, तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर रहता है। और अभी मैं हूँ देखिए दौसा राजस्थान में, और कल क्या गर्मी थी और अभी देखिए बारिश, लाजवाब, औसम औसम यार, गाड़ी भी धुल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मज़ा आ गया। और सेम उसी स्पीड से गाड़ियाँ अभी चल रही है वापस, अभी बारिश की फिर से बूंदे आना स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी पूछ दिया थोड़ा सा शॉर्टकट में कि भीग तो गया ही है तो अपने इसी बहाने थोड़ा धुल जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी, गंदा होना तो स्वाभाविक होगा ही, बट एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए फ्रेश माइंड, फ्रेशनेस थोड़ा सा बरकरार रहेगा। देखिए धूप हो गई, काफ़ी धूप हो गई, सब लोग रेडी हैं, अपनी दोनों कार रेडी है, सो लेट अस स्टार्ट। दौसा से निकले हैं और ये एक्सप्रेसवे है जो जाएगी डायरेक्ट दिल्ली से, बेसिकली ये चंडीगढ़ कनेक्ट होगी और ये कंटिन्यूस 250 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। देखिए 8 लेन का है, 4 लेन इधर 4 लेन उधर, और दिल्ली 262 किलोमीटर, ये सुन लिया आपने, 162 पे तक आप बिंदास चलते रहिए। इस पे स्पीड लिमिट क्या है इस एक्सप्रेसवे पे एक बार देख लेता हूँ, गाड़ियाँ तो अच्छी चल रही है सारी अपने अपने लेन में, 4 लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। उधर वाले जो राइट हैंड साइड वाला जो है एक्सप्रेस वो भी देखिए अच्छा है, 4 लेन 120 का स्पीड है, तो एक काम करता हूँ मैं 120 सेट कर देता हूँ और 120 हो गया है सेट एक्चुअली। बीच बीच में यहाँ पे जो पोल लगा हुआ है ना, ये पोल बेसिकली कई बार स्पीड भी डिटेक्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। योर स्पीड, वाह, तो वो स्पीड चेक करता है आपकी गाड़ी का, 127 के स्पीड में अभी 128 के स्पीड में चले हैं, रोड अच्छा है और इसने ऑलरेडी गूगल ने बताया कि आप इधर स्पीड डिटेक्टर है क्या, नहीं कुछ क्रेम पे काम चल रहा है तो अपने को कंट्रोल में रखने का। हाँ वहाँ पे खाली एक मिस्टेक किया था कि उसने स्पीड डिटेक्टर वो नहीं लगाया जो सिंबल रहता है। लेन बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, ये देखिए जितना दौड़ाना है गाड़ी को दौड़ाइए लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, तो ऐसा ही रोड रहता है ना, तो लॉन्ग ड्राइव का जो मज़ा ही अलग हो जाता है। यहाँ पर भाई साहब
चला गए, मैं 131 में हूँ, 133 है। अडाज जगह कंट्रोल करके दिखाइए, किया 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 कंट्रोल, किया कंट्रोल, कंट्रोल कर लिया भाई, 110 पे आ गया। चलिए ओवर गाइड करिए, क्यों इनोवा जी। नगर निगम, अच्छा नगर निगम नहीं, विश्राम एगम एवं सेवा क्षेत्र है सर्विस। गुड। Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. हरियाणा का पहला जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर मैंने फ्यूलिंग करवा ली है, और हमारा गाड़ी का जो है ये तीसरी बार फ्यूलिंग मैंने करवाया है। 16683 किलो इतना किलोमीटर का रीडिंग है हमारा, और अभी अभी एक पोस्ट से था ना, हाँ पोस्ट दो गाड़ी आई हुई थी, उससे मैंने पूछा कि कितने किलोमीटर के स्पीड में आप चलते हैं एक्सप्रेस वे पे, तो बोला 270 के आसपास मैं चलता हूँ और काफ़ी स्पीडली खींचा, तो इट्स गुड। 151 के स्पीड में चल रही है गाड़ी एडास पे। सट से निकलेगा ये, देखिए 150 के स्पीड में एडास पे है, और गाड़ी कंट्रोल आपके थार के स्पीड के हिसाब से कर लिया भाई जी। गुड, वेरी गुड, बहुत स्मूथ ब्रेकिंग होती है। ये तो जबरदस्त है, टोल प्लाजा गुरुग्राम दिल्ली। माय गॉड 151 भाई।
भाई साहब हैं ऑडी नहीं है अल्टो है वो। अच्छी बात ये है ये पावर स्टेयरिंग का कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है और उसके पूरा स्टेयरिंग को लॉक कर लेता है, मतलब हाई स्पीड में आप ज़्यादा घुमा ही नहीं सकते। सेफ्टी फीचर्स ये सब होने चाहिए यार। टेक द एग्जिट। अच्छा यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग एग्जिट है तो बहुत ध्यान से लेना जरूरी है। गोल 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 कनेक्ट हो गया, वो जो जयपुर टू दिल्ली एक्सप्रेसवे है उसमें कनेक्ट हो गया वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से होते हुए और गाजियाबाद इन सब को भाग भाग टच करती है और ये चली जाती है यू नो इसका जो मेन पर्पस है फिर आगे है इसका टोल वो गुड़गांव नोएडा और गाजियाबाद पलवल इन सब को भाग भाग से हाई स्पीड में कनेक्ट करने का इसका है ये रूट। पेट्रोल चार्ज कितना 100 है बोले लिखा हुआ था। Standing, and I don't wanna be where I am, and I want something.